एक बार फिर से लेकर हाजिर है प्रतापगढ़ जिले के दिन भर की बड़ी खबरें। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले आप सभी से एक निवेदन है कि यदि आपने अभी तक ग्लोबल भारत न्यूज़ को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही कर लें, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहें। चलिए देर न करते हुए रुक करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। शुरुआत सदर इलाके की खबर से करते हैं, जहाँ प्रतापगढ़ पहुँचे प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री सुरेश राही ने किया प्रदर्शनी का अवलोकन। बता दें कि साकेत गर्ल्स कॉलेज में नारी शक्ति बंधन और महिला सशक्तिकरण की तस्वीर प्रस्तुत करती प्रदर्शनी की शुरुआत करते हुए प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री सुरेश राही ने कहा कि नव भारत 2047 की परिकल्पना को साकार करती प्रदर्शनी के माध्यम से छात्राओं ने बदलते तस्वीर को प्रस्तुत कर सराहनीय कार्य किया है। यह हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कठोर प्रयास से ही संभव हो सका। बता दें कि शहर के साकेत ग्रुप ऑफ कॉलेज की ओर से गायघाट रोड स्थित गर्ल्स कॉलेज में नव भारत 2047 की मॉडिफाइड इंडिया कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री सुरेश राही ने फीता काट कर किया। महाविद्यालय की छात्राओं ने साई वंदना, सरस्वती वंदना और स्वागत गीत प्रस्तुत किया। इसके बाद उन्होंने सीओ सिटी करिश्मा गुप्ता, प्रबंधक अरविंद श्रीवास्तव और नीलमा श्रीवास्तव के साथ समाज सेवी रोशन लाल के साथ प्रदर्शनी में छात्राओं की ओर से बनाए गए मॉडल का अवलोकन किया। प्रदर्शनी में छात्राओं की ओर से डिजिटल पुनर्जागरण, सतत क्षितिज और पर्यावरणीय प्रयास के अलावा विरासत की पुनर्कल्पना, इंफ्रास्ट्रक्चर और परिवहन, सशक्त जड़ें, कल्याण और स्वास्थ्य, गढ़ी एवं समग्र कल्याण, अंतरिक्ष और विज्ञान, सीमांत प्रबुद्ध भारत समेत तमाम चुनौतियों के विषय पर बनाए गए मॉडल प्रस्तुत किए गए। उन्होंने प्रदर्शनी की सराहना करते हुए कहा कि यह बदलते भारत की एक तस्वीर है। राज्य मंत्री ने आरएस वेदी उपाध्यक्ष बास्केटबॉल एसोसिएशन और कॉलेज के संरक्षक प्रोफेसर राजेश कुमार शर्मा की मौजूदगी में बैचलरी बास्केटबॉल कोर्ट का भी लोकार्पण किया। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे कुंडा इलाके खबर की, जहां प्रबंधक से हुई 2,65,000 रुपए की ठगी। पुलिस ने 3 के खिलाफ दर्ज किया FIR, शुरू किया मामले की जांच। दरअसल जठवारा इलाके के धनराज कुमार शिक्षा समिति के प्रबंधक विनोद प्रताप सिंह ने गूगल पर मोबाइल नंबर खोजकर एक कंपनी की 600 बोरी सीमेंट का सौदा किया। कंपनी के अधिकारी से बात करने के बाद उसके बताए बैंक खाते में 1,65,000 रुपये पहले उन्होंने भेज दिया। बाद में अधिकारी ने बताया कंपनी 1,000 बोरी से कम का ऑर्डर नहीं लेती। बातचीत के बाद विनोद ने 400 बोरी के 1,00,000 रुपये और भेजे। इस पर बात करने वाले ने ट्रांसपोर्ट खर्च 31,829 रुपये और ले लिया। दो दिन बाद एक व्यक्ति ने फोन कर विनोद को बताया कि वह उसके ऑर्डर का सीमेंट लेकर आ रहा था और ट्रक का ड्राइवर बोल रहा है। उसने जबलपुर में एक बाइक सवार को टक्कर मार दिया है, वह इलाज का खर्च मांग रहा है। विनोद ने उसे ट्रांसपोर्टर और कंपनी से बात करने को कहा। सीमेंट नहीं आया तब विनोद ने कंपनी से सीधे संपर्क किया तो पता चला कि उनका कोई ऑर्डर ही नहीं पहुंचा था। विनोद की तहरीर पर पुलिस ने सेल्स मैनेजर अभिषेक शर्मा, बैंक खाताधारक रोहित वर्मा और ट्रांसपोर्ट के खाताधारक साजन श्रीवास्तव के खिलाफ धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज की है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे मांधाता इलाके खबर की, जहां रोक के बावजूद भी धड़ल्ले से काटे जा रहे हरे पेड़। तस्वीर हुई सोशल मीडिया पर वायरल तो जिलाधिकारी ने दिया मामले में जांच के आदेश। दरअसल यह तस्वीर प्रतापगढ़ जिले के मांधाता थाना क्षेत्र की बताई जा रही, जहां हरे पेड़ों की कटाई इस समय जोरों पर चल रही है। कई बार इस मामले की शिकायत भी स्थानीय लोगों ने पुलिस प्रशासन से किया, लेकिन आरोप है कि वन विभाग की टीम और पुलिस की मिलीभगत से ठेकेदार द्वारा हरे पेड़ों की कटाई कर दी जा रही है। इसका किसी ने एक वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर जब इसे वायरल किया तो प्रतापगढ़ के जिलाधिकारी ने पूरे मामले में जांच के आदेश दिए हैं। तो वहीं इस मामले की जानकारी होने के बाद SP ने भी अपने मातहतों को नकेल कसते हुए कहा कि इलाके में कहीं पर भी वृक्षों और पेड़ों की कटाई होती है तो ऐसे थानाध्यक्षों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी जिनके इलाके में इस तरीके का कृत्य हो रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे लालगंज जिला के खबर की, जहां पकड़ा गया दुष्कर्म करने का आरोपी, पुलिस ने गिरफ्तार करने के बाद भेजा जेल। बता दें किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को लीलापुर थाने की पुलिस ने विवेचना के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर पहुंचकर इलाके के जुगई का पूर्वा मोड़ के पास से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए अभियुक्त का नाम उमेश वर्मा, पुत्र छोटेलाल वर्मा, निवासी ग्राम जुगई का पूर्वा कटैया थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ है। इस मामले में पुलिस ने पाक्सो एक्ट समेत कई धाराओं में FIR दर्ज किया था और आरोपी की कई दिनों से तलाश की जा रही थी। मुखबिर खास की सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद न्यायालय में पेश किया और उसे जेल भेज दिया गया।